दोस्तों, रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का वीकेंड का वार धमाकेदार रहा। 4 कंटेस्टेंट्स की बुरी तरह क्लास लगी। सबसे ज्यादा एल्विश यादव को सलमान खान ने सुनाया। उन्होंने बेबी का ध्रुवे के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका फुटेज सलमान खान ने उन्हें दिखाया और खरी खोटी सुनाई। टिकट टू फिनाले टास्क में एल्विश यादव और बेबी का ध्रुवे के बीच तीखी बहस हो गई थी, जिसके बाद गुस्से में यूट्यूबर ने उनके बारे में कुछ अपशब्द कह दिए थे। इस पर सलमान एल्विश पर जमकर बरसे। सलमान ने कहा कि उन्हें कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए, न कि फालतू की चीजें। सलमान ने एल्विश से कहा। एल्विश के बाद इसी टॉपिक पर अभिषेक मल्हान और मानिशा रानी की भी क्लास लगी, जो एल्विश के साथ उस दिन हो रहे बातचीत में शामिल थे। इसके बाद सलमान खान ने फिर एल्विश यादव के फैन फॉलोइंग पर कमेंट किया और कहा कि क्या उनके फॉलोअर्स उन्हें फ्री में ज्वाइन करते हैं या पैसे लेते हैं। सलमान ने जिक्र किया कि एल्विश के पिता प्रोफेसर हैं। एल्विश को मोटिवेट करने के लिए सलमान खान ने उनकी माँ से उनकी बात भी करवाई। माँ को वीडियो कॉल पर देखते ही एल्विश टूट गए और फूट फूट कर रोने लगे। एल्विश की माँ ने उन्हें समझाया और उन्हें अपना प्यार दिया। बाद में सलमान ने बताया कि उन्होंने उनके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को उनकी माँ को नहीं दिखाया है, तो वह फिक्र न करें। भाईजान के जाने के बाद एल्विश, अभिषेक और मनीषा ने बेबिका से माफी मांगी। एल्विश यादव को टारगेट करने पर अब सलमान खान खुद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। लोग सलमान खान को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तक कि ट्विटर पर फेम और #ElvishArmy ट्रेंड कर रही है।